आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज बैंडविड्थ एक्सप्लेन बेस बैंड एंड ब्रॉडबैंड। ये अक्सर ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, बैंडविड्थ क्या होता है, बेस बैंड क्या होता है, ब्रॉडबैंड क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं बैंडविड्थ क्या होता है। द अमाउंट ऑफ डाटा डैट कैन बी ट्रांसफर थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम इन अ यूनिट ऑफ टाइम। अब एक अमाउंट ऑफ डाटा जो कि हम एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हैं किसके थ्रू, कम्युनिकेशन मीडियम। मीडियम क्या, कम्युनिकेशन मीडियम क्या है, एक पाथ होता है जिसके थ्रू हम डाटा एक जगह से, एक रास्ता होता है जिसके जिसकी हेल्प से हम ये डाटा को सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इन यूनिट ऑफ टाइम, एक यूनिट ऑफ टाइम में उसको क्या हम बोलते हैं, इस कॉल्ड बैंडविड्थ, उसको बैंडविड्थ बोलते हैं। द बैंड बैंडविड्थ ऑफ डिजिटल सिग्नल इज मेजर इन बाइट्स पर सेकेंड। जो बैंडविड्थ डिजिटल सिग्नल है उनको मेजर करने के लिए के वो उसके के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, बिट्स इस्तेमाल किया जाता है। बिट्स क्या होता है, बिट्स पर सेकेंड और बाइट्स पर सेकेंड को यूज़ किया जाता है। इनमें डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है MBs, जैसे के हो गया बाइट्स पर सेकंड, MB, JP, ये जो ये डाटा की टाइप्स होती हैं कुछ जिसमें डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है। बैंड विड्थ ऑफ एनालॉग सिग्नल इज मेजर इन साइकिल सेकंड और हर्ट्ज। जो बैंड विड्थ में एनालॉग सिग्नल होते हैं उनको मेजर किया जाता है, किस में मेजर करा जाता है, साइकिल में, सेकेंड में, हर्ट्स में। ये फ्रिक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्स। अगर आप फिजिक्स वगैरह पढ़ी हो तो ये वहाँ पर यूनिट यूज होते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास बेस बैंड। अब ये क्या होते हैं, बेस बैंड इज अ कम्युनिकेशन टेक्निक। ये कम्युनिकेशन है कि एक टेक्निक है इन विच डिजिटल सिग्नल आर प्लेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स मॉड्यूलेशन। ये जो बैंडविड्थ है ये कम्युनिकेशन तकनीक है जिसमें डिजिटल सिग्नल को चेंज किए बिना रिप्लेस करना, किसमें, ट्रांसमिशन लाइन में, मॉड्यूलेशन विदाउट चेंज, उसमें मॉडिफिकेशन किए बगैर, उसमें उस मॉडिफिकेशन क्या होता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना, ये ऐसा प्रोसेस होता है मॉड्यूलेशन, वो किए बगैर डाटा को ट्रांसमिशन लाइन में करना है। इसका क्या मतलब होगा, इट मीन्स डैट डिजिटल सिग्नल आर डायरेक्टली ट्रांसमिटेड ओवर ट्रांसमिशन लाइन। इसका यह मतलब हुआ कि एनालॉग जो डिजिटल सिग्नल है उनको एनालॉग में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो डायरेक्टली सेंड हो जाएंगे ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू। इट ट्रांसमिट ओनली वन सिग्नल एट अ टाइम, और ये एक वक्त में एक ही सिग्नल ट्रांसमिट करेगा। डिजिटल सिग्नल आर कॉमन इन इस कॉल्ड बेस बैंड, और ये डिजिटल सिग्नल बहुत ही आम हैं जिनको हम बेस बैंड बोलते हैं। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड इज अ टेक्निक टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सच एज वॉइस ऑडियो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। जो ब्रॉडबैंड है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को, वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, वो वॉइस हो सकती है, वो वीडियो हो सकती है, उसको सेंड करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस में वो किस टेक्निक का यूज़ करते हैं, ब्रॉडबैंड का यूज़ करते हैं। इट कैन सेंड डाटा बाय मॉड्यूलेटिंग ईच सिग्नल ऑन टू डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। ये डाटा को मॉड्यूलेटिंग करता है। मॉड्यूलेटिंग मींस डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करना एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में। पहले एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, तो ये वो प्रोसेस होते हैं। उसके थ्रू हर एक सिग्नल को उसके थ्रू डिफरेंट फ्रिक्वेंसी को दिया जाता है, वो एक ही वक्त में वो एक सिग्नल सेंड होगा किसके के पास जाएगा, रिसीवर के पास। इट ट्रांसमिट सराइवल स्ट्रीम ऑफ डाटा। ये मुख्तलिफ किस्म के डाटा को सेंड करता है।
एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में, यूजिंग किसके इस्तेमाल से? एफ टी एम। एफ टी एम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये टेक्निक होती है जिसको यूज़ करता है ब्रॉडबैंड सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए। ब्रॉडबैंड इज़ फास्टर देन बेसबैंड, और ये तेज़ है। ब्रॉडबैंड जो है ये तेज़ तरीन है बेसबैंड से। तो ये क्यों तेज़ है? क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेंड कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू।